ये साउथ कोरिया गवर्नमेंट की कंपनी है अच्छा साउथ कोरिया गया। जी, हाँ और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है ये, जिसका पूरा नाम है कैरी एंड कोलमार। ये रिसर्च करती है और कोलमार जो है वो प्रोडक्शन करती है। कैरी की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1959 में इसका स्थापना हुआ और वहाँ के गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की। ठीक है, आज मोर देन 4,000 वहाँ साइंटिस्ट हैं, 1500 पीएचडी रिसर्चर डॉक्टर जो हैं, और 27,000 फार्मूले हैं आज इनके पास वर्ल्ड में। एक बहुत बहुत बड़ा मायने रखता है एक चीज। अब कोल मार्क की बात करें तो 1921 में इसकी स्थापना हुई और आज जो है इनके पास पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 700 प्लस कंपनियां जो हैं ये इनके ग्लोबल क्लाइंट हैं, जिसमें कुछ कंपनियों का मैं आपको नाम बता दूं, एमवे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, त्यांस, ये वो कंपनियां हैं जो आज मिलियन डॉलर का टर्नओवर कर रही है, बिलियन डॉलर का। पॉन्ड्स, जॉनसन एंड जॉनसन, मैक्स, एलजी, सैमसंग, ये जो कंपनियां हैं, 4K लाइफ, आप सर्च करेंगे तो ये वर्ल्ड में बहुत बड़ा टर्नओवर है इनका। और ये सारा टर्नओवर, ये ग्लोबल क्लाइंट भी करते क्या है ये जो कैरी है, कोल मार्ग जो है, कोल मार्ग से ये क्या करते हैं, उनसे ये या तो मशीन लेते हैं या तो प्रोडक्शन अपने लिए प्रोडक्ट जो भी जरूरत होता है उससे रिसर्च करके उससे बनवाते हैं। ठीक है, नाम अपना देते हैं और मार्केट में बेचते हैं। अब अगर आप बात करें तो इन्होंने ये देखा कि जो हम प्रोडक्ट डेवलप करके देते हैं कैरी के द्वारा, कोल मार्ग के द्वारा जो प्रोडक्ट इनको दिया जाता है डेवलप करके, उन्होंने देखा कि ये मार्केट में हमारा जो रेट होता है वो होता है इनको देने का 10 रुपया और ये बेचते हैं 1,000 में। मतलब कितने का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसको देखते हुए और एक देश का रिसर्च सेंटर ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम भी आए नेटवर्क मार्केटिंग में। और फिर 2006 में कैरी और कोलमार्क दोनों ने एक ज्वाइंट वेंचर किया और एटॉमी की स्थापना की। और एटॉमी जो है वो ऐसी कंपनी बन के उभरी कि जो वर्ल्ड में इन्होंने अपने प्लान को पेटेंट कराया। सबसे पहले ये जो है साउथ कोरिया में ही इन्होंने काम किया 3 साल तक। उसके बाद ये यूएस गए, यूएस के बाद जो है आज लगभग 16 कंट्री में जा चुके हैं। 17वां कंट्री जो है आपका इंडिया है, 18वां कंट्री जो है आपका जो है चाइना, अभी लॉन्च किया इन्होंने, चाइना भी लॉन्च हो गया है। इंडिया में लॉन्चिंग का जो डेट है वो है आपका 18 जून 2020 को ये इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट रेंज की बात करेंगे तो लगभग 80 से 150 प्रोडक्ट लेके ये इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। और इनके पास 450 प्रोडक्ट हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के जो कुछ प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे जो पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड वाइड, उसको लेके ये इंडिया में लॉन्च कर देंगे 2 से 3 महीने के अंदर। जैसे जैसे गवर्नमेंट इनको परमिशन देती जाएगी वैसे वैसे ये लॉन्च करते चले जाएंगे। उसके बाद इनका एक अजा मॉल है, अजा मॉल, एटॉमी अजा मॉल करके इनका एक है, वहां पे आप जाएंगे आपको 1 लाख प्लस प्रोडक्ट मिलेंगे। आप कल्पना करिए कि 1 लाख प्रोडक्ट क्या आप लिख पाएंगे, कितने दिन में लिख देंगे आप 1 लाख प्रोडक्ट का नाम? बहुत समय लगेगा। बहुत समय लगेगा। मतलब क्या है सर जी, आप सोचिए, आप एक ऐसे बिजनेस को करने जा रहे हैं बिना पैसा लगाए जिसमें आपको 1 लाख प्रोडक्ट एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। आप सोच के देखिए, कल्पना करिए कि आपका चाहे पड़ोसी हो या आपका रिश्तेदार हो, जो वो चाहता है अपने दैनिक जीवन में खर्च करता है वो सब कुछ यहाँ पे है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, वो हमारा कस्टमर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर एक बार आपने एटॉमी में उसको ज्वाइन करा दिया अपने साथ, तो आप समझिए लाइफ में आप दोबारा वो कभी किसी के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता है। तो आपने एक ऐसा काम कर दिया कि
घर बैठे आपने एक बिजनेस दे दिया, एक से दो, दो से पांच, पांच से पचास, पचास से 50,000 लोग आपके साथ आ जाएंगे और सारे लोग अपने जरूरत की प्रोडक्ट खरीदेंगे और पैसा आपको आएगा। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है। कितना पैसा आएगा? आप यहां से महीने का 50,000 भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, 50 लाख भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं, 2 करोड़ भी कमा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। डिपेंड करेगा आपके काबिलियत के ऊपर कि आप कितना सक्षम है उस पैसे को लेने के लिए, आप कितना पैशन रखते हैं उसको, कितना जुनून है आपके अंदर सीखने का और करने का, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि सर जी, अक्सर जहां पैसा नहीं लगता ना, वहां लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। जब आपका पैसा लगा होता है तो आपकी आंख खुलती है, यहां तो कुछ लगना नहीं है। लेकिन जब अगर आप सिस्टम को समझ गए तो लाइफ में हमेशा आप जीतेंगे। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि आप सभी लोग सिस्टम को समझिए। जीतने के लिए जरूरी है अच्छे लोग का संगत करना, अच्छे लोगों से संपर्क में रहना। बुरे लोगों का नंबर तुरंत ब्लॉक कर दीजिए या तो डिलीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, जो लोग आपको निगेटिव बातें करते हो उनको अपने करीब मत रखिए। तुरंत उनका नंबर ब्लॉक करिए, डिलीट करिए। क्यों? क्योंकि वो ना खुद करेंगे ना आपको करने देंगे। उनको नेटवर्क का ABCD नहीं पता है, लेकिन अगर आप उनसे राय लेने पहुंच जाएंगे तो राय बहादुर हैं। वो सबसे पहले बताएंगे कि हाँ, हम तो सुने हैं लेकिन किया नहीं है कभी। उन्होंने लाइफ में कभी बता नहीं सकते हैं कि हाँ, फलाने कंपनी में मेरा जो है पेआउट 2 लाख 5 लाख का था। लेकिन ऐसे लोग आपको बताएंगे कि ये मत करो। आपको किसकी बात माननी है? जो सफल है इस इंडस्ट्री में, जो पैसा बना रहा है, समझ रहे हैं, जो, और इसको पार्ट टाइम में करना है, फुल टाइम में नहीं करना है, पार्ट टाइम में करिए। देखिए 24 घंटे में, मैं आपको बता दूं आपकी एजुकेशन क्या होगी बॉस? 10वीं तक है। 10वीं तक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप सोचिए कि आपने अगर 10 या 10+2 किया हुआ है, मंथली कितना इनकम करने की आपकी आपने सोचा है कि मंथली मेरा कितना पैसा आ जाए तो चलेगा? हर आदमी को तो सोच तो बहुत रहती है, लेकिन अपने हिसाब से तो 10-15-20 भी हो जाए वो भी कम। 10-15-20 हो जाए तो चलेगा। चलिए मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप एक दुकान पे काम कर रहे हैं, वहाँ आपको 10 घंटा वो आपसे काम लेता है और उसके बदले में आपको पर डे का वो जो है 200 रुपया देता है। अगर आपको 400 रुपया पर डे चाहिए तो क्या करना होगा? आपको अपने टाइम से ज्यादा काम ओवर टाइम करना पड़ेगा ना। अब अगर आपको वो, मान लीजिए 10 घंटा के बजाय आपने 15 घंटा काम करने लगे और आपको वो दे दिया कि चलो भैया हम तुम पे खुश हो गए, हम तुमको 400 रुपया डेली देंगे, लेकिन आपका 400 से भी काम नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे 1,000 रुपया डेली चाहिए, तो क्या आप 24 घंटा काम कर पाएंगे किसी भी दुकान पे? या वो दुकान वाला आपको 24 घंटा काम करने देगा? या आप अपना खुद का अगर व्यापार करेंगे तो 24 घंटा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। समझिए, किसी भी स्कूल में टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है और यही कारण है हम और आप अपने लाइफ में फेल होते हैं। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है कि पैसा कैसे बनाया जाए। अगर पढ़ाया गया हो तो बताइए पैसा कैसे बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिस्टम समझना होगा। सिस्टम क्या इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को समझिएगा। आप 10 घंटा काम कर रहे हैं, अगर आपने क्या किया, ऐसे लोगों का संपर्क करना शुरू किया कि वो भी 2 घंटा काम कर रहे हैं, तो अब 10 घंटा और 2 घंटा 12 घंटे हो गए। जैसे सपोज कीजिए, मैं अत्रि मुनि मिश्रा जी मेरे टीम में हैं, आज मेरी जो नेटवर्क का स्ट्रेंथ है वो लगभग 20,000 के लोगों का है। अब 20,000 लोग अगर पर डे मेरे लिए 1 घंटा काम करते हैं तो मेरे लिए कितने घंटे काम हुआ सर? 20,000 घंटे। और इस 20,000 घंटों से आप सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति से मुझे महीने का 1 ही रुपये का इनकम आता है, तो मुझे सबसे कितना रुपये आया? 20,000 रुपये। ठीक है, मैंने कितना घंटा काम किया? मात्र 10 घंटा। और सारे लोग एक एक घंटा काम कर रहे हैं तो मेरे लिए 20,000 घंटा पर डे काम हो रहा है।
समझिए, ना मैंने कोई दुकान डाला, ना ही मैंने कोई पूंजी लगाई, मैंने क्या किया, अपने टाइम को, टाइम मैनेजमेंट को सीखा और अपने टाइम मैनेजमेंट के द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ा दिया। जिस दिन आप इस फार्मूले को समझ जाएंगे, दुनिया में जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा होना, पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ नौकरी करता है, जान लीजिए, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है वो सिर्फ नौकरी करता है, जो कम पढ़ता है और सीखने को तैयार होता है वो राज करता है, वो नेटवर्क बनाता है, वो व्यापार करता है, वो बिजनेसमैन बनता है। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि एक अच्छा व्यापार करिए, अच्छे लोग के संगत में रहिए, और एक बहुत बड़ा अवसर है आपके पास,